हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। एक बहुत बड़ा फैसला निकल के आ रहा है जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, पर्टिकुलरली अगर हम देखें यस बैंक के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपने यस बैंक में निवेश किया है या फिर आप इसमें प्लान कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने का। लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूं जिसने एक महीने के अंदर करीबन 70%, 3 महीने के अंदर करीबन 400%, 6 महीने के अंदर करीबन 350% के आसपास के रिटर्न और 1 साल के अंदर करीबन 2150% के रिटर्न दे चुका है। इस स्टॉक के बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। इससे पहले यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट सिनेरियो पर अगर हम नज़र डालें तो आज का जो मार्केट था वो आपको पॉजिटिव क्लोज होते हुए नज़र आया है। सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक और यहाँ पे मिड कैप, चारों ही इंडाइसेस में आपको एक ठीक ठाक पॉइंट्स के साथ अपसाइड मूवमेंट, करीबन 80-82 पॉइंट्स के साथ निफ्टी 50 में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम एक छोटी सी अपडेट के बारे में बात करें तो RBL बैंक में आज भयंकर गिरावट थी, करीबन 18% से भी ज़्यादा गिरावट थी। एक टाइम पे तो करीबन 21% के आसपास की गिरावट थी। इसके पीछे का रीज़न अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। स्पेशली मैं RBL बैंक पर यहाँ पे वीडियो बना के आपको इसका पूरा सिनेरियो बता दूंगा, क्या इसकी भी हालत यस बैंक की तरह हो सकती है जैसे कि आपको 1 साल पहले देखने को मिली थी। इन सारी चीज़ों पर हम टॉपिक कवर कर सकते हैं अगर आपको इस पर्टिकुलर बैंक में इंटरेस्ट है तो कॉमेंट में आप जरूर बताइए, सो डैट मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँ। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में अगर आप यहां पर देखोगे 13.20 रुपए पर आज इसकी क्लोजिंग देखने को मिली, करीबन 0.38% की यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखो तो एक बड़ी न्यूज आई थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि यस बैंक को डिश टीवी की AGM में जो कि 30 दिसंबर को होने वाली है उसमें वोटिंग राइट अलाउ कर दिया है कोर्ट की तरफ से। यानी कि अगर आप देखोगे इससे बड़ी न्यूज़ क्या ही हो सकती है कि जो डिस्प्यूट इतने दिनों से चलता हुआ जा रहा है जिसमें आपको फाइनली यस बैंक की जीत होते हुए नजर आई थी, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा पड़ सकता था इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, लेकिन आज ऐसा हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो करीबन 0.38% की आपको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। ओपन हाई और लो पर नजर डालें, 13.15 रुपए पर ओपन हुआ, शेयर ने 13.45 रुपए का हाई भी बनाया, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग अगर लो भी देखोगे तो 13.05 रुपए, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी और 13.20 रुपए पर आप उसको क्लोजिंग देखने को मिली। डायरेक्टली न्यूज पर आते हैं, एक आपको न्यूज में यहां पर आपको दिखाता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर्स स्टे ऑन DRT प्रोसीडिंग अगेंस्ट यस बैंक ओवर डिश टीवी शेयर्स। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को इसका जो कंक्लूजन है वो शायद समझ में ना आया हो, तो इसके लिए मैं आपको पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये न्यूज़ कब की है, आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है, 27 दिसंबर की सुबह 7:30 बजे की। तो अब हम यहाँ पे आगे इस पे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड अ स्टे ऑन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यस बैंक बाय द जयपुर बेंच ऑफ द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि DRT इन अ पेटिशन फिल्ड बाई SL ग्रुप एफिलिएटेड ग्रेट बे एस्टेट्स। यानी कि अगर आप देखोगे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यस बैंक के खिलाफ एक यहाँ पे जो पेटिशन फाइल करी गई थी SL ग्रुप की, जिसमें जो पेटिशन डायरेक्टली फाइल करी गई थी वो ग्रेट बे एस्टेट पर की, और यहाँ पे अगर आप देखो तो DRT यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो जयपुर बेंच में है उस पर आपने यहाँ पे देखा होगा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। पूरी न्यूज़ को एक बारी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि आखिर ये चक्कर क्या है। यहाँ पे आप देखो, द कोर्ट वाज हियरिंग अ प्ली बाय द लैंडर चैलेंजिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द DRT विच हैड डायरेक्टेड यस बैंक टू मेंटेन स्टेटस क्वो विद रिगार्ड टू इन्फोर्सिंग इट्स राइट ऑन 44.53 करोड़ शेयर्स ऑफ डिश टीवी इंडिया डेट आर करेंटली हेल्ड बाई द बैंक। यानी कि ये तो आपको पता ही है कि जो यस बैंक है उसके पास करीबन 44.53 करोड़ शेयर हैं जो कि डिश टीवी के हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो
तो यस बैंक को चैलेंज किया गया था डिश टीवी की तरफ से और बोला गया था कि जो आपके पास शेयर्स हैं उस पर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो, यानी कि जो राइट है उस पर आप स्टेटस क्वो यानी कि जो भी आप अभी जो स्टेटस चल रहा है वो सेम रखना पड़ेगा, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ना उसको बेच सकते हो ना ही कुछ कर सकते हो। तो इस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसकी तरफ से एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और यस बैंक को पूरा पूरा राइट है इन शेयर्स के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने एक बयान भी दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग निकल के आता है, वी आर कंप्लीटली शॉक्ड एंड एगेड टू रीड द DRT ऑर्डर एंड टू मेंटेन इन विच द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द DRT विवेक सक्सेना हैज प्रोसीड। यानी कि उन्होंने बोला है कि मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हूँ कि ऐसा कैसे कर सकती है कोई भी DRT की टीम। आगे अगर आप देखोगे, वी आर एट अ कम्प्लीट लॉस टू अंडरस्टैंड हाउ द रेस्पोंडेंट यानी कि ग्रेटवे एस्टेट कुड हैव एनी इंटरेस्ट इन द प्लेज शेयर्स। यानी कि इन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर चीज में ग्रेटवे एस्टेट का जबकि बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है तो वो पेटिशन दायर कैसे कर सकता है। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के लिए बोल दिया है कि जो यहाँ पे यस बैंक को बोला गया था स्टेटस क्वो करके वो हटा देना चाहिए और ऐसा फिर से दोबारा से नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ लग रही है या फिर नहीं लग रही है, क्योंकि जो पहले पॉजिटिव न्यूज़ आई थी उसका इम्पैक्ट पड़ना था वो आज नहीं पड़ा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलूँगा कि इस न्यूज़ का आपको कल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बहुत हद तक सुधरते हुए नज़र आ रही हैं यस बैंक की। अब हम एक शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, उसका नाम निकल के आता है TTML यानी कि टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। 169.85 पे क्लोजिंग हुई, 5% का अपर सर्किट, एक दिन के अंदर 8 रुपये का गेन। इसके स्टॉक्स वर्सेस रिटर्न अगर आप सेंसेक्स से कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे, एक दिन में करीबन 5% का, एक हफ्ते में करीबन -5% के रिटर्न है, एक महीने में अगर आप देखोगे 67.80 यानी करीबन 68%, 3 महीने में 389% के रिटर्न्स, 6 महीने में 334% के रिटर्न, और 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो 2100% के आसपास के रिटर्न्स हैं, और 2 साल में तो आप देखो यहाँ पे 7500% से ज़्यादा के रिटर्न है। तो आप डेफिनेटली देख पा रहे हो कि किस अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो ग्रो कर रहा है। क्वालिटी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एवरेज बताया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, आप इसमें थोड़ी बहुत चीज़ों को कंसीडर कर सकते हो। तो ये इस पर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस बना के बताया भी हुआ था, इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी की थी और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन भी किया था। उस टाइम भी मैंने आपको सजेशन दिया था कि आप थोड़ा बहुत एलोकेशन इस स्टॉक में कर सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम में ये मूव अच्छा दिखा सकता है, वही सेम सिनेरियो यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है। अभी भी मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत एलोकेशन आप इसमें रख सकते हो, पूरा पोर्टफोलियो को आपको नहीं रखना चाहिए, ब्लू चिप स्टॉक्स को मेजर एलोकेशन आपको करना चाहिए, ये मेरी राय है। बाकी आप अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ जरूर डिस्कस करें किसी भी पर्टिकुलर शेयर में निवेश करने से पहले। वीडियो को केवल नॉलेज के पर्पज से देखें। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।